श्री गुरुदेव दत्त लक निरंजन आदेश गुरुदेव दत्त सही गुरुदेव लस्य लठस निर्देव लसने इले हिले सी वल्लाह से गुरुदेव लास इले हिले सी गुरुदेव लास लठ से वदास इले हे वल्लाह इले हे ले सी वाहे वर दिल हे वासे यो नी वर हास इल्ला वर दिल ला सी गुरुदेव लठ से वासे यो इले वाजी इले हे वाजी गुरुदेव ला इले गुरुदेव जस से वडे से वर दिल हे वासे सवार दिल से वल्लाह से गुरुदेव लठ से वर तड़ से वलासे सही ले सी वर दिल हास ले सी वर दिल लासे वट्टे से वर दास से वर निरंजन आदेश गुरुदेव दत्त सही बोलो क्या है क्या दास्तान चल रही कौन है हम है भगवान है कौन सा कालिकनाथ बोलते हैं हमको और इसके अंदर क्या कर रहे हैं हम हाजरी से सेवा दे रहे सेवा रहे सेवा दे रहे गुरुदेव ला से तुम लाके छोड़े खुद को डाल नहीं बच्चों से हमारे उधर से थाने से बच्चों से हमसे इधर से मिल जाते से हम पुराने से उनके उनके दादा पर दादा से खेलते थे हम इधर से बच्चों से हमने बहुत कोशिश किया बच्चों से जगाने के बच्चे जगे नहीं बच्चों से हमने कुछ जकड़े इनको कौन सा क्या नाम कानिकनाथ है बाबा जोर से अलक निरंजन से गुरुदेव लास रहमान से गुरुदेव लास लठ से गुरुदेव लास ले बोलो से वरदला से बोल कालिकनाथ महाराज की कितने साल से उसके अभी मैं ज्यादा भी साल से नहीं हूँ अच्छा से अभी 3 बरस हो गए बच्चे अच्छा इन्हें खुद बुला के लिया था खुद ब खुद आए हम खुद भी खुद आए बच्चे और कुछ नहीं बकरियां फोन मार रहा हूँ उनके नुकसान करने वाला अच्छा है नहीं वो शिवला से बरखत से काला है शिवर देवला से अल्लाह से ठीक है और कुछ पूछना है उनका भी बकरे मारते हैं मैं भाई के लड़के हैं मैं छोटा भाई के लड़का हूँ उनका भी बकरे मारते हैं इनके घर पे मुस्करे वाला जादू को ना नहीं मैं हूँ ना जिंदा उधर से वैसा क्या करने दूंगा मैं भस्म कर दूंगा बच्चों से वैसे कुछ चलने नहीं दूंगा इधर से वो अभी वो उधर से वो दवा पानी छिड़ जाते हैं उसके हवा लग जाते हैं मर जाते हैं बच्चों से और कुछ पूछना है हाँ ये उधर गया था अभी चल ससुरवाड़ी क्यों गया था उधर से वो बीमारी पड़ गई ससुरवाड़ी गया था रोड गया था अच्छा पहले कुछ नहीं था ये अच्छा था अभी चिड़ चिड़ करता है किसकी भी आत्मा मारने को लगता है ऐसे साथ में नहीं बच्चों से हमको उधर से खिलाए थे क्या नहीं ऐसा कुछ नहीं बच्चों से उसको उधर से लेके आया हम खुद उसको इधर लेके आया हम उसके शरीर में जा चुके हुए उधर से हाजरी छल हो गए ससुरवाड़ी से आने के बाद से हाँ वो बच्चों से तकलीफ से हो जाते थे छोटे छोटे बच्चों से उसकी बीवी को हमने पहले बुलाया देर से उनको से मेरा वो जो रहता है वो औरत पे नहीं चलता हमको मर्द जात चलता है हमको औरत नहीं चलता इसलिए मैंने उनको बुला के लिया हाजरी उधर से छल हो गए बहुत गर्मी बहुत चीचिक करते हो पत्ते पाल रहे हैं पत्ते है वो अच्छे से पत्ते से पालने नहीं रहे इससे उसमें से चिड़चिड़ हो रहे हैं उसको तकलीफ से हो रही है तकलीफ होती है उसको उनको शिवन पालन से वो ऐसे मिल जाते हैं उनको समझ भी नहीं आते इसको क्या खिलाने का क्या पिलाने का वो सब हमको वो चलता नहीं वो काटते वो लेके आते वो खाते पीते वो हमारे वो ये बच्चे किसके वो जा जाते हैं उसको तकलीफ क्या खाते हैं वो काट के उसे भी जानवर से काट के लाते हैं कुछ भी खाते हैं उनसे जानवर हमको जो जुबान से भी वो तकलीफ हो जाती है बच्चों से कौन सा फिर भी मुझे मालूम है ना वो जंगल से लाते हो वो लेके आते हैं लाते रहे ये हमारे दादा पंडित जी लाते हैं शिकार में जाता है शिकार करके शिकार करके लाते क्या लाते हैं ये अभी गोरफड़ बोलता है ससा बोलता है मेरे को सब कुछ नहीं चलता मेरे को नहीं चलता ठीक है
और कुछ पूछने का नहीं, घर में ज्यादा बांधन बहुत जाता है, चलते है झगड़े झगड़े में लगा नहीं है, इनके इनके हाथों से हो जाते हैं, हमको कुछ हमारा कुछ लेने देना नहीं है, ये हमारी बात सुनते ही नहीं, तो हम क्या कर सकते। ठीक है जी, घर में झगड़े की फिक्र नहीं लगाना, आप क्या बोलते तो परेशानी आफतों नहीं आने देना, ठीक है, सब खत्म कर देंगे अल्लाह की वजह से, सब खत्म कर कालिकनाथ महाराज की जय, रुकदास हमको रुकदास चाहिए, हमको कुछ दूसरा नहीं चाहिए, वो मले में गाले से वर्षे उठे न वर्षे हमारे रुकदास से बच्चे बच्चे इसके गले में डाल दो, और जरिए ऐसा चलेंगे और तुमको कुछ भी तकलीफ नहीं होगा उधर, तो मटन नहीं खाना पड़ेगा ना, नहीं हाँ, फिर शो कुछ भी नहीं चलेगा, अभी 3-4 से मैं बंद कर दिया सर। क्या रुद्राक्ष की माला मंग रहा हूँ, कितने उतारने कर रहे, 21 के, अब क्या करूँ, कुछ जाने दो नहीं जाने दो, छोड़ो तुमको, छोड़ तुम नहीं छोड़ेंगे तो भी मैं छोड़ के दिखाऊंगा तुमको, आदमी अलग अलग है, क्या करना फिर तेरे साथ में, बोल क्या करूँ, जाने दू नहीं जाने दू, तुम्हारी मर्जी, बाबा कभी डालने होंगे कभी नहीं रुकते, सो कुछ पहले बम बम बोले का बोलने का, शिव शंकर का बोलने का, अभी दत्त का बोल रहे, अभी कालिकनाथ का बोल रहे, अभी वो साइड में रहने का कुछ भी, अभी दूसरे को बलते बोल रहे, हम जो आचरित से मिलने जाते हैं हम भगवान से आ जाते, ना भगवान अपने घर पे करने का ना, वो सासरगढ़ को जाके अभी ऐसा क्यों कर रहे, तुम सासरगढ़ से कैसे आते अपने भगवान, सासरवाड़ी में क्या चल रहे प्रोग्राम है, अरे हाँ ठीक से देखो, ये अभी कैसे बहुत चिड़चिड़ करता है, दो लड़के ने एक लड़की है, अभी वो भी भाग गए, वो बोल रहा उसको मटन खिला रहे, तुम बोल के उसको गुस्सा आ रहा है ना, रे बरोबर सही से बोला, मटन नहीं खाता, अभी घर में लाता है वो घर के बर्तन से, वो एक ही बर्तन में खाते, एक ही बर्तन से उसको दूसरा भोजन देते है, उसमें से जाते उसका अलग रखो ना, तुम उसके बर्तन अलग रखो, तुमको नहीं जमता है तो तुम खाओ, हम नहीं बोल रहे तुम खाओ, उसको क्या कहो, वो तकलीफ देते हो, जुन्नर तालुका में पुणे जिले में, पुणे जिले में तो पुणे जुन्नर नारायणखेड़ छत्रपति शिवाजी महाराज की 35 से लगाने को, तालुका है जुन्नर तालुका है उनका, उनका जन्म हुआ था ना, बॉर्न हुआ था वहाँ पे 35 से, हम नारेंगा भाई वहाँ से 12 किलोमीटर नारंग, हम कोई दौड़ी हमारी कोट के बाजू में बड़ा बस्ती है, बड़ा बस्ती, चल ठीक है जा, परेशान मत कर उसको, रख निरंजन गुरुदेव दत्त, क्या हुआ ये कौन है, चाचा वो भाई।
रखा है, ये जो दास्तान है क्या क्या तो पता है नहीं, पूरी सारे मसले के नाताशाफीसा कितने भी नामा बदल के बात आते हैं सामने पूरी दाल गलते हैं, इतने बड़े ऊपर तरीके से निकालता हूँ क्या करना उस हिसाब से। और दुआ मोमिन के लिए हथियार है, दुआ याद करना, इबादत ज़्यादा से ज़्यादा करना, नमाज ये सब सवाल है, ये ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना, इसलिए ये सब चीज़ों से तुम महफूज रहेंगे। और दूसरी बात के बस इतना कहूँ, हमें से ज़्यादा क्या कहूँ, अल्लाह सब लोग का इन ज़्यादा अमल करने की तौफीक दे, क्योंकि जिस पे बीतती है उसको ही पता चलता, दर्द जिसको जख्म जिसको होता दर्द भी उसको होता, बाजू वाले को कुछ भी नहीं मालूम होता। और दूसरी बात ऐसी रहती कि एक भी अगर ऐसा एक भी फैमिली का मेम्बर अगर ऐसा होकर डिस्टर्ब होगा, बीमार होगा या ख़राब होगा इसी तरह, तो पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती, कोई भी किसका दिल कमाने में खाने में कहीं नहीं लगता, सब उसकी तरफ लग जाता, सबका दिल दिमाग सब डिस्टर्ब हो जाता, सब परेशान हो जाते, करता है। इसलिए तुम महफूज रहेंगे, तुम्हारी फैमिली महफूज रहेंगी, इसलिए इबादत ज़्यादा से ज़्यादा किया करो तो इबादत तुम्हारी ढाल है। चलो ठीक है, ओके।